नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मोदी के 1000 दिन, मोदी सरकार के 3 साल पर हमारे स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आज मोदी सरकार को 1090 दिन हो गए हैं। बात होगी रोजगार के मोर्चे पर 3 साल बाद आज कहां खड़ी है मोदी सरकार। विकास की राह पर ले जाकर युवाओं को रोजगार देने का जो वादा तब के नरेंद्र मोदी ने किया था, क्या वो वादा आज के पीएम मोदी पूरा कर पाए हैं? क्या मोदी राज में युवाओं के आए हैं अच्छे दिन? रिसर्च और रिजल्ट के पैमाने पर 3 साल बाद मोदी सरकार और देश की आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वादा किया था, पूरी ताकत से बोलो, वादा किया था। कांग्रेस ने वादा किया था, वादा निभाया। आप में कोई है भाई जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? आप में कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? 2013 में आगरा की इसी ऐतिहासिक रैली में मोदी ने कांग्रेस सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरकर युवा पीढ़ी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। मोदी ने भारत को युवाओं का देश बताते हुए उन्हें विकास की राह पर ले जाकर रोजगार का सपना दिखाया था। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन देश के नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। तो क्या मोदी सरकार के 3 साल बाद युवाओं का वो सपना साकार हुआ? क्या मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा कर पाई? क्या मोदी सरकार के 3 साल में युवाओं को नौकरियां मिली? क्या देश में बेरोजगारी दर घटी? क्या भारत का युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सका है? इन सभी सवालों के जवाब आंकड़ों के जरिए तलाशने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि मोदी सरकार में कितने बेरोजगारों का भला हुआ है। लेकिन उससे पहले मोदी सरकार में मंत्री राजीव प्रताप रूडी को सुन लीजिए। जान लीजिए कि एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन समारोह में रूडी ने रोजगार के मोर्चे पर मोदी को कितने नंबर दिए हैं। आप कितने अंक देंगे मोदी सरकार को रोजगार के मुद्दे पर 1 से 10 के पैमाने पर? 10 का 10 अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप में से मैं चुनौती देता हूं, कोई भी मेरे साथ आ जाए, आपको मैं डिमांड दिखाऊंगा कि कितनी इंप्लॉयबिलिटी का डिमांड है। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है ट्रेन करने का। कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी मोदी सरकार को रोजगार देने के मोर्चे पर 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही गवाही देते हैं। रोजगार पर जारी सरकार के ही आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि पीएम मोदी को रोजगार देने के मोर्चे पर 10 में से 10 नंबर देना साफ साफ बेईमानी होगी। आपको बता दें, सरकार के लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 में बीजेपी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड समेत 8 प्रमुख सेक्टर में सिर्फ 2,31,000 नौकरियां दी हैं। साल 2015 में यह आंकड़ा इससे भी कम था। 2015 में सिर्फ 1,55,000 लोगों को ही नौकरियां मिली, जबकि साल 2014 में 4,21,000 लोगों को नौकरी मिली थी। मोदी सरकार के तीनों साल के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो अब तक सिर्फ और सिर्फ 9,97,000 नौकरियां दी गई हैं। इसके इतर कांग्रेस ने दूसरी बार सरकार बनने के पहले ही साल यानी 2009 में करीब 10 लाख नौकरियां दे दी थीं। यानी मोदी सरकार 3 साल में उतनी नौकरी नहीं दे पाई जितनी की कांग्रेस सरकार ने 1 साल में ही दे दी थी। बावजूद इसके मोदी सरकार अब भी अपनी पीठ थपथपा रही है। आज भारत के आईटी सेक्टर में जबरदस्त नियोजन की संभावनाएं हैं, संभावनाएं बढ़ रही हैं, और भारत की डिजिटल इकोनॉमी आने वाले 5 से 700 वर्षों में 600 लाख करोड़ की हो जाएगी।
रविशंकर प्रसाद रोजगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जानकारी के लिए बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक अब भी देश में 6,05,42,000 लोग बेरोजगार हैं। 2014 के मैनिफेस्टो में रोजगार बढ़ाना बीजेपी के मुख्य एजेंडे में शामिल था। रोजगार बढ़ाने के लिए बड़े बड़े वादे भी किए गए थे, लेकिन रोजगार को बढ़ावा देना तो दूर की बात, बड़े महकमे में जो पद वर्षों से खाली थे वो भी अब तक नहीं भरे गए हैं। देश में 14 लाख डॉक्टरों की कमी है, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6,000 पोस्ट खाली है, IIT, IIM और NIT में भी 6,500 पद खाली पड़े हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में 27% शिक्षकों की कमी है, स्कूलों में पढ़ाने के लिए 12 लाख शिक्षकों की जरूरत है। महत्वपूर्ण पदों पर रिक्तियां और बेरोजगारी की वजह से विरोधी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। रोजगारी के अवसरों की बात करो, आपने कहा था कि 2 करोड़ हम लोग रोजगार के अवसर हर साल देंगे, 3 साल का क्या रिकॉर्ड है आपका? 2014 में 4 लाख, 2015 में 2 लाख और इस वर्ष में 1,35,000 आपने लोगों को नौकरी दी। मतलब 2% भी आपने अपने टारगेट का क्रियान्वयन नहीं किया है। अगर बात तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर किया जाए तो रोजगार के मामले में मोदी सरकार अब भी वो रफ्तार नहीं पकड़ पाई है जो उसे पाना था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। रोजगार के मौके मुहैया कराने के लिए सरकार ने अलग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय बनाया। 3rd और 4th ग्रेड की सरकारी नौकरियों में धांधली खत्म हो, इसके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया खत्म कर दी गई और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब इन 9,000 पदों पर कोई इंटरव्यू प्रक्रिया नहीं होगी, मेरे नौजवानों को इंटरव्यू देने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, भ्रष्टाचार और दलालों के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे और इस काम को लागू कर दिया गया है। रोजगार देना मोदी सरकार का मुख्य एजेंडा है। फिलहाल के आंकड़े भी बताते हैं कि मोदी सरकार कुछ हद तक बेरोजगारी कम करने में सफल हुई है। BSA और CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी की दर अगस्त 2016 के 9.5% से घटकर फरवरी में 4.8% पर आ गई है। उत्तर प्रदेश में इस दौरान बेरोजगारी दर 17.1% से घटकर 2.9% और मध्य प्रदेश में 10% से घटकर 2.7% पर आ गई है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर मुहैया कराने पर सरकार का विशेष ध्यान है। रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा के तहत रोजगार हासिल करने वाले परिवारों की संख्या 83 लाख से बढ़कर 1,67,00,000 हो गई है। यानी रोजगार देने के लिए मोदी सरकार कदम तो बढ़ा रही है, भले ही रफ्तार सुस्त है। सरकार को 3 साल पूरे हो गए हैं, मोदी के पास अब भी 2 साल बाकी हैं। अब देखना होगा कि इन बचे 2 सालों में मोदी रोजगार की रेंगती रफ्तार को दौड़ा पाते हैं या नहीं। संवाददाता शिशिर सिन्हा की रिपोर्ट। तो देखा आपने, रोजगार की कसौटी पर मोदी सरकार अब तक उतनी खरी नहीं उतर पाई है। अभी आपने रोजगार के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की दलीलें सुनी। अब देखिए क्या कहता है इंडिया, वो इंडिया जो युवाओं का है, वो युवा जिसके दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में देश का खम ठोकते हैं। क्या उस युवा को नौकरी मिली? क्या उसको मिला है रोजगार? खुद देश के युवाओं से सुनिए। पूरे विश्व को 2020 तक करोड़ों करोड़ों लोगों की जरूरत है। दुनिया के वर्कफोर्स को प्रोवाइड करने का सामर्थ्य हमारे पास नौजवान है, लेकिन अगर वो स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा तो जगत में उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। और इसलिए हमें एक तो वो तैयार करना है जनरेशन को, नई जनरेशन को, जो जॉब क्रिएटर हो, और दूसरी वो जनरेशन हो जो जॉब क्रिएटर नहीं बन सकती है लेकिन कम से कम लोग उसको जॉब के लिए ढूंढ आएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 तरह के युवाओं का सपना देखा है, एक वो जो खुद दूसरों को नौकरी दे सके और दूसरे वो जो इतने काबिल हो कि उन्हें नौकरी मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्या 3 सालों में मोदी सरकार अपने इरादों में सफल हो पाई है? जिन युवाओं के दम पर मोदी दुनिया भर में देश का खम ठोकते हैं, क्या उन्हें पहले की तुलना में अब ज्यादा सहूलियत
मिल रही है। इसी का रियलिटी टेस्ट करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम आज बिहार की राजधानी पटना पहुंची। हमें यहां कुछ युवा मिले जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन 3 सालों में क्या कुछ बदला है। 6 साल हो गया मुझे तैयारी करते हुए, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे ऐसी तैयारी कर रहे थे, रेलवे के मेन रूप से मैं रेलवे का स्टूडेंट हूँ, लेकिन रेलवे का फॉर्म आ ही नहीं रहा है। 4 साल पहले रेलवे फॉर्म आया था, वो भी कांग्रेस सरकार में आए थे। भाजपा में रेलवे फॉर्म आया एनटीपीसी, उसके भी आए हुए 3 साल हो गए, अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं आया है मेंस का। रंजीत कुमार 6 साल से पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनकी समस्या है कि पहले की तुलना में अब केंद्र सरकार वैकेंसी कम निकाल रही है। पटना में ही तैयारी कर रहे दिलीप को भी मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें थी। लोग उम्मीद लगाए थे मोदी सरकार से आने के लिए, मगर स्टूडेंट के लिए मोदी सरकार में कोई वैकेंसी नहीं है सर। ठीक है, एनटीपीसी दिए, उसके बाद एनटीपीसी के बाद कोई ऐसा वैकेंसी नहीं है, और मोदी सरकार जो भी वैकेंसी आ रही है और बहुत सारी सीट काट काट कर रही है, जो कांग्रेस के आती थी सीट वगैरह उतना आ नहीं रहा है। ठीक है, 6 साल से नौकरी पाने की कोशिश में लगे दिलीप मोदी सरकार से खुश नहीं है। कम से कम मोदी सरकार इनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। लेकिन बिहार के आगे उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में विजय राजभर मोदी सरकार से खुश है। उनके भाई को रेलवे में नौकरी मिल गई है। रेलवे में जो जैसे वैकेंसी आई थी, तो केंद्र सरकार बनते ही एक महीने बाद रेलवे की वैकेंसी आ गई, और ग्रुप सी में हमारे भाई का वहाँ सिलेक्शन भी हो गया, और पूरी पारदर्शिता यानी कि कैमरे की देख रेख में वो पूरी की पूरी उसकी जो परीक्षाएं थी वो की गई और उसमें उसका चयन हुआ। विजय के भाई को रेलवे के ग्रुप सी में नौकरी मिली है। इसकी वजह वो मोदी सरकार के ग्रुप सी और डी में इंटरव्यू की प्रक्रिया खत्म करने को मानते हैं। मोदी सरकार के आने के बाद पारदर्शिता बढ़ी है, ये बात तो मऊ के अमित कनौजिया भी मानते हैं, जो हाल ही में FSCI में मैनेजर बने। इन 3 सालों में जैसे हम देख रहे हैं कि हम 2015 या 2014 से जब से सरकार में ही 2014 सरकार बनी है, उसके बाद सरकार अपने सभी विभागों में जो भी नियुक्तियां आई हैं उनमें पारदर्शिता का जो दावा कर रही है उस पर खरा उतर रहा है। अमित मोदी सरकार के काम से खुश हैं, लेकिन जालंधर के रहने वाले प्रभ मेहनी अब भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। सर, मैंने नौकरी के लिए बहुत जगह अप्लाई किया, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मैंने स्कूलों में भी, बैंक्स में भी किया अप्लाई, और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत सारी अप्लाई किया, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। युवाओं को भरोसे में लेकर भले ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी हो, लेकिन सरकारी वैकेंसी में आई भारी कमी से युवा अपने आप को कुछ कुछ ठगा महसूस कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र वैकेंसी नहीं आने से खासे नाराज हैं, लेकिन मोदी सरकार के कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी इसके इतर बात करते हैं। आप जिस रोजगार की बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, लेकिन इस देश में गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइज सेक्टर कितना बड़ा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें 40 करोड़ लोग काम करते हैं, तो ये फर्क है। इसलिए आंकड़ों पर जिन लोगों को आप रोजगार के लिए ढूंढ रहे हैं उससे बड़ी तादाद में हम अपने यहाँ प्रशिक्षण करके लोगों को रोजगार तक पहुँचा रहे हैं। रूडी का कहना है कि सरकार के सेक्टर में नौकरियां कम हैं, युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे ये बात भी सही है कि मोदी सरकार में पारदर्शिता बढ़ने से IT, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, e-commerce समेत तमाम क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर बढ़े हैं। अगर मैं देखूं जब से मोदी गवर्नमेंट आया है, आई थिंक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ द परसेप्शन ऑफ इंडिया। इंडिया की परसेप्शन ग्लोबली बहुत सारे चेंज हुए हैं। देर इज़ अ वेरी पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ इंडिया एज अ मार्केट ग्लोबली, और बहुत सारा पैसे फ्लो हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वैसे ही ग्रो हो रहा है। अब सारे सेक्टर्स देख लीजिए, वैसे ही ग्रो हो रहा है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो 5 सब्सिडीज थी उनका मर्जर किया गया, उस मर्जर से एक तो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है कम होगा, और सेकेंडली उनका जो है एक एफिशिएंसी बढ़ेगी ऑपरेशन में। हेल्थ केयर सेक्टर में पिछले 2-3 सालों में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमने प्रोवाइड की हैं, खासकर फार्मासिस्ट को। फार्मासिस्ट की एवरेज सैलरी 10-15 हज़ार रुपये होती थी पहले, बट अब हम जो ये प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं उनके लिए ई संगम, इससे उनकी रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यानी एक बात तो साफ है कि प्राइवेट सेक्टर में मोदी सरकार के आने के बाद तेजी से ग्रोथ हो रहा है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन जो युवा कई सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी देने के मामले में 3 साल बाद भी मोदी सरकार बेहद सुस्त है।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।